फ्रेंड, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। उसके बगल नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फ्रेंड, आप लोगों को रिक्वेस्ट है जब भी मेरा वीडियो देखें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, जो कि आप लोगों को समझ में आएगी। वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे 90 वोल्ट से लेकर 440 वोल्ट ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का रिले कनेक्शन कैसे करते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, इसमें 418 वोल्ट के लिए इसमें आपका थर्ड जो रिले है उसमें चला जाएगा, एनओ में यानी कि नॉर्मली ओपन कनेक्शन में चला जाएगा। उसके बाद में 290 वोल्ट का जो है वो टेपिंग आपका चला जाएगा फोर्थ रिले में, जो कि नॉर्मली कनेक्टेड में चला जाएगा। वहाँ से एक लूपिंग और बन जाएगा जो कि थर्ड वाला जो रिले है उसमें नॉर्मली कनेक्टेड में वो भी चला जाएगा। और उसके बाद में देख रहे हैं 240 वोल्ट का जो लूपिंग है वो चला जाएगा आपका सेकेंड रिले के नॉर्मली कनेक्टेड में। 200 का जो लूप है वो चला जाएगा आपका सेकेंड रिले के नॉर्मली कनेक्टेड में। और उसके बाद में देख रहे हैं आप 137 वोल्ट का जो है वो चला जाएगा फर्स्ट रिले के नॉर्मली कनेक्टेड में, और वहाँ पे नॉर्मली ओपन से कॉमन में आपका लूपिंग हो जाएगा। और उसके बाद में फिर सेकेंड का रिले जो थर्ड रिले के नॉर्मली कनेक्टेड से कॉमन में आपका लूपिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद में देख रहे हैं आप फोर्थ और फिफ्थ रिले का जो है कॉमन और कॉमन दोनों आपस में लूपिंग हो जाएगा और उसके जो नॉर्मली ओपन है वो आउटपुट में चले जाएंगे। तो दोस्तों यही इसका कनेक्शन है। और इसमें जो LT कनेक्शन जो 22 वोल्ट का है जो देख रहे हैं आप, ये वाली ये चला जाएगा आपका सर्किट में 22 वोल्ट के लिए। और दोस्तों इसमें दो ट्रांसफार्मर एक्स्ट्रा और डालना पड़ेंगे, जो कि इसमें 440 वोल्टेज आपको इनपुट करना है, इसके लिए दो ट्रांसफार्मर एक साथ में लगाना पड़ेगा। 0-12 के दो ट्रांसफार्मर इसमें लगाएंगे, क्योंकि इसमें 220 वोल्ट एक आपका ट्रांसफार्मर होता है, दो लगाएंगे तो 440 में वर्क करेगा, इसके लिए इसमें दो ट्रांसफार्मर लगाने पड़ेंगे। और इस सर्किट में दोस्तों देख रहे हैं आप, इसमें आपका प्रीसेट 6 है, जो कि पहला प्रीसेट आपका रिले सेटिंग के लिए, दूसरा भी रिले सेटिंग के लिए, तीसरा भी रिले सेटिंग के लिए है, और बाकी सब है आपका हाई कट, लो कट, टाइमर को एडजस्टमेंट के लिए है, हाई कट के लिए है। तो दोस्तों इसे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका रिले कनेक्शन कैसे करना है इसके बारे में। तो दोस्तों इसमें दो प्रकार से कर सकते हैं, ये फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड में एक और भी है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये सेकेंड रिले कनेक्शन कैसे करते हैं इसके बारे में। फर्स्ट मैंने बता दी है, सेकेंड वाली है, इसमें 418 वोल्ट जो है पहले वाले रिले फर्स्ट रिले के नॉर्मली ओपन में कनेक्शन हो जाएंगे, और 290 का जो है आपका वोल्टेज वो जो हो जाएंगे आपका सेकेंड रिले के नॉर्मली गया, वहीं से एक लूपिंग करा जाएगा आपका फोर्थ रिले में नॉर्मली ओपन में, वहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद में 240 का जो कनेक्शन है वो चला जाएगा आपका फोर्थ रिले के नॉर्मली ओपन में। और उसके बाद में 200 वोल्ट जो देख रहे हैं आप, 200 वोल्ट जो है आपका चला जाएगा थर्ड रिले के नॉर्मली ओपन में। और उसके बाद में वोल्ट जो देख रहे हैं आप, ये चला जाएगा थर्ड रिले के नॉर्मली कनेक्टेड में। तो फ्रेंड, इसमें आप देख रहे हैं इसमें दो प्रीसेट है, एक टाइमर के लिए प्रीसेट है और दूसरा जो प्रीसेट है वो आपका सेटिंग यानी कि रिले सेटिंग के लिए, एक रिले आपको सेट कर देना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली सब एडजस्टमेंट हो जाएंगे। लेकिन फ्रेंड, आप देख रहे हैं इसमें जो भी आपको एडजस्टमेंट करना है इसी के बोर्ड पे आपको करना पड़ेगा, जो इसमें मैंने बोर्ड डाली है उसी हिसाब से, और जो इसमें बोर्ड डालेंगे उसमें लिखा रहता है कितना वोल्ट का आपको लूप निकालना है, उस हिसाब से ट्रांसफार्मर को डिजाइन करना पड़ता है, तो उसी हिसाब से आपको करेंगे। उसके बाद में ये बोर्ड को लगाएंगे, ये साक्षी की बोर्ड है, इसमें दो डिजाइन में आ रही है, तो आप दोनों में आपको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपका दोनों का कनेक्शन कुछ चेंजेस है आपको करना पड़ेगा। और दोस्तों ये जो पीस भी आप देख रहे हैं, ये पीस भी इसमें एडजस्टमेंट करना बहुत इजी होता है, तो आप इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आप लोग बहुत पसंद आया है, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।